कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करते वक्त तो पप्पू यादव कहते नजर आए थे कि मरते दम तक ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया था कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में केवल पूर्णिया के लिए किया है। ये उम्मीद लेकर के वो आए थे कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्णिया लोकसभा सीट से दावेदार बनेंगे और जीत भी दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद जब सीट राजद के खाते में जाती है, बीमा भारती वहां से उम्मीदवार बनती है और फिर पप्पू यादव को कोई भी समर्थन कांग्रेस से पूर्णिया को लेकर नहीं मिलता, फिर कहते नजर आते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती कांग्रेस में आकर के कर दी। अब कांग्रेस तेजस्वी यादव लालू यादव हमें हमारी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, भला हमने क्या कुछ गलत किया था। अब ये बयान जिस तरीके से पप्पू यादव के पलटे, इस पूरे यहां सियासी संग्राम के बीच ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पप्पू यादव भी पलट जाएंगे। निर्दलीय नामांकन तो बीती 4 अप्रैल को उन्होंने भर ही दिया, लेकिन क्या अपना नामांकन वापस ले लेंगे, क्या बीमा भारती का समर्थन करते नजर आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। और अब सब के बाद एक ही सवाल सबसे पहले हर किसी के जहन में आ रहा है कि क्या पप्पू यादव यहां जीत भी जाएंगे, क्या पप्पू यादव यहां बीमा भारती को हरा देंगे, क्या पप्पू यादव यहां इंडिया गठबंधन की चिंताएं बढ़ा देंगे, साथ में चुनौतियां बढ़ा देंगे। तमाम सवाल हैं, इस पूरे सियासी संग्राम पर बात करेंगे, तमाम सवालों पर आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हमारे सहयोगी हैं अमन जी, बात करेंगे अमन जी से इसी मुद्दे पर। अमन जी, जिस तरीके से बेहद जोश के साथ बेहद अलग ही अंदाज में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, कहते नजर आए कि ना कांग्रेस ना पूर्णिया किसी हाल में छोड़ेंगे, और फिर जब कांग्रेस से पूर्णिया को लेकर समर्थन नहीं मिलता तो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जब चुनाव यहां पर होगा, उसके बाद मतगणना होगी, क्या वाकई में पप्पू यादव के लिए गलती रहेगी या कांग्रेस के लिए गलती रहेगी कि पप्पू यादव को स्वीकारा क्यों? देखिए बिल्कुल, और पप्पू यादव का जिक्र बिल्कुल बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, खासकर बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो हर एक कोई कहीं ना कहीं पप्पू यादव का जिक्र करता हुआ अक्सर नजर आता है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पप्पू यादव ने तमाम बातों के मद्देनजर भी सोचते हुए समझते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और क्योंकि इस समय ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय बड़े बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, वहीं पप्पू यादव जैसा नाम जो निर्दलीय के तौर पर भी अगर चुनाव में जाते हैं तो शायद उनको जो है जीतने के चांस सबसे अधिक होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं। लेकिन हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कह सकते हैं नेता के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार एक तरीके से किया है, क्योंकि पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो सोचिए एक नेता के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी जो बड़ी उम्मीदों के साथ में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करता है, और एक तरीके से मान के चला जा रहा था कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया चुनाव लड़ते तो लगभग जीतने की संभावनाएं थी वो अधिक होती हुई नजर आती, क्योंकि एक तो पप्पू यादव का खुद का वोट बैंक, साथ में अगर कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक भी उनके पक्ष में आता तो आप ये मानकर चलिए कि पप्पू यादव की जीत यहां से तय हो जाती, और यही बात कहीं ना कहीं आरजेडी को खटक रही होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर मजबूत हुई तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए पूर्णिया की सीट जो थी उन्होंने लाख कहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पप्पू यादव जो बारंबार ये बात कह रहे थे कि भाई मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा, मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ने की बात करते, लेकिन जब एक नेता के साथ इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर बात है कि आखिर में उसको भी पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना जो कह सकते हैं उम्मीदवारी भरी है, और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी सहयोग उनको नहीं मिला। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह पप्पू यादव ने कह सकते हैं बागी सुर दिखाए हैं, क्योंकि पार्टी ने मना किया भाई यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव ने जिस तरह से पर्चा भरा है वो पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ है, और इसमें पप्पू यादव के ऊपर पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए जो नेता लगातार डेडिकेशन की बात कर रहा हो, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहा हो, उसके ही पक्ष में अगर पार्टी नहीं खड़ी होती है तो ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा हार है पार्टी की, कि वो अपने नेताओं के साथ में भी जो बड़े लेवल के नेता बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो पप्पू यादव जैसे बड़े चेहरों का उसके साथ होना बहुत जरूरी है, और आपने देखा भी कि पप्पू यादव ने किस तरह से राहुल गांधी का सपोर्ट किया, किस तरह प्रियंका गांधी का सपोर्ट किया और तमाम तरह की बयानबाजी की, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको कोई भी सपोर्ट पार्टी से नहीं मिला, और अब उनको जिस तरह से चुनाव में जाना पड़ रहा है यानी कि निर्दलीय चुनाव में जाना पड़ रहा है वो अपने आप में अजीबोगरीब स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी आखिर अपने प्रत्याशी को क्यों इस तरह से बीच मझधार में छोड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो कैसे पार्टी मजबूत होगी, कैसे कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अपनी
आपको दोबारा एस्टेब्लिश कर पाएगी, कई तरह के सवाल है एक्चुअली। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर ही उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर उसने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल क्यों नहीं बनाया। अच्छा मंजी, जिस तरीके से यहाँ बातचीत चल रही है और पप्पू यादव का लगातार जिक्र है, अब कहीं ना कहीं पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस कदम उठा सकती है, कार्रवाई कर सकती है उनके इस रुख को लेकर के। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी हुई है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया है और जिन सीटों की सूची तैयार की गई है उसमें पूर्णिया संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। क्या अब राहुल गांधी अपने ही नेता, अपने ही बिहार के बड़े नेता, अपने उस नेता के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे जो बिहार में कांग्रेस को 40 सीटें जिताने की बात कर रहा था? देखिए बिल्कुल अक्षय, और जब कह सकते हैं बिहार के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के अखिलेश, उनसे जब पूछा जाता है पप्पू यादव के बारे में तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि पार्टी में वो शामिल है भी या नहीं। तो ऐसी बयान देने का मतलब ये है कि पप्पू यादव से कांग्रेस पार्टी किनारा करना चाहती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जो नेता तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो चल रहे प्रचार के बावजूद भी पार्टी में शामिल होने का फैसला करता है, उसको अगर इस तरह से जलील किया जाएगा, इस तरह से उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जाएगा, लगातार उनको परेशान किया जाएगा, तो वो नेता कैसे कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो पप्पू यादव कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उनके लिए तमाम बेहतर बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि राहुल गांधी इस देश को सच्ची सेवा दे रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के लिए वो सोच रहे हैं, इसीलिए लगातार जो भारत नया जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और तमाम तरह की और भी बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बावजूद अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने अभी तक भी पप्पू यादव को लेकर एक बार भी कुछ नहीं बोला है, जो ये बताता है कि जो भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेगा या करता है उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि राहुल गांधी हमसे ज़्यादा समय तो अपने कुत्तों को देते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए जो छवि बन रही है वो ऐसी बन रही है कि जो भी नेता उनसे संपर्क करना चाहता है बहुत दूर रह जाता है। क्योंकि पप्पू यादव का मामला है, बिहार के बड़े नेता हैं, अगर राहुल गांधी इसमें जरूर इंटरफेयर करते तो शायद पूर्णिया सीट पे अभी जो पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहीं भी इसको लेकर जिक्र नहीं किया, कहीं भी इसको लेकर बात नहीं की, जिसकी वजह से आरजेडी ने बीमा भारती के रूप में अपना जो प्रत्याशी है पूर्णिया से वो उतार दिया। और जो कह सकते हैं पप्पू यादव लगातार जो दावा कर रहे थे, देखिए दावा भी इसलिए कर रहे थे कि तीन बार वो आई थिंक जो पूर्णिया है वहां से वो निर्दलीय सांसद रह चुके हैं, इस आधार पर तो कम से कम उनको जो है जो टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने अपना दबदबा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से पूर्णिया सीट से हटाया है, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है पप्पू यादव पर। हो सकता है कि जिस तरह का रुख उनका लग रहा है वो कांग्रेस पार्टी से भी किनारा करते हुए नजर आ जाए, कांग्रेस से भी किनारा करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से पूर्णिया में नामांकन भरने के इस पूरे सिलसिले के दौरान कुछ भी समर्थन मिलता नजर नहीं आया। ऐसे में मुझे एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि आरजेडी के द्वारा, बीमा भारती के द्वारा आरोप ये लगाया गया कि पप्पू यादव को भाजपा ने कांग्रेस में शामिल कराया जिससे इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाए, क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई इस दावे में लगती है? देखिए बिल्कुल अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे तमाम तरह के सियासी बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए मिला जुला कर अगर देखा जाए तो जो शख्स आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए आया, और वो शख्स भी ऐसा शख्स जो 4 से 5 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुका है, पूर्णिया सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसे में ये कह देना कि किसी के बहकावे में होकर वो आए हैं, कोई जो बयान इस तरह दे देता है उसका कोई बहुत अधिक मायने नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि जो लोग उसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, देखिए तमाम बातें होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जो लोग जिताऊ चेहरे को ढूंढते हैं अगर इस तरह से उनको दरकिनार किया जाएगा तो ये पार्टी हित के लिए भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार ये चीज देखी जा रही है कि जो उनके बड़े चेहरे हैं अगर वो पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, पार्टी से हटने की बात करते हैं, तो पार्टी का कोई भी आलाकमान का नेता इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता, चुप रह जाता, खामोश रह जाता। इसीलिए लगातार जो कांग्रेस पार्टी का कह सकते हैं जो नेता है उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने वक्त रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया तो उनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो सकती है अगर कांग्रेस यहाँ पर इस तमाम मुद्दों को, इन तमाम पहलुओं को सही से जांच परख कर उन पर सही से आगे काम करती नजर ना आए। लेकिन अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या पप्पू यादव अब पूर्णिया ही नहीं आसपास के और संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस और आरजेडी के इस गठजोड़ का खेल बिगाड़ देंगे, क्या कुछ उस पर आपका मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।